आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे एयरटेल नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो जैसे कि पुलिस निकालते हैं, तो ये वीडियो आपको बस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। प्लीज़ आप इसका गलत यूज मत करें। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि गलत यूज इसका मत करें, तो हम करके अब बता देते हैं आपको। क्या करना है, तो सिंपली आपको मैसेज में आना है। मैसेज बॉक्स में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है, आपको मैसेज करना है 1-2-1 पे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और मैसेज में आपको क्या टाइप करना है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो आपको पहले कैपिटल लेटर कर लेना है, तो जैसा कि हम यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर कर दिए हैं। तो यहाँ पे लिखना है EPREBILL EPREBILL, और उसके बाद स्पेस डालना है। और उसके बाद ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे आपको जिस भी मंथ का निकालना है, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च, आपको जिस भी मंथ का निकालना है यहाँ पे वो मंथ डाल देना। जैसे हम यहाँ पे अभी निकाल के दिखाते हैं कौन सा है। आज तो थर्सडे है, सॉरी जून है। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट मंथ का निकाल के दिखा रहे हैं, पिछले मंथ का अप्रैल का, APRIL अप्रैल। और उसके बाद यहाँ पे स्पेस डालना है, फिर स्पेस डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर से डालना है यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको डालना है जिस ईमेल आईडी पे आपको ये चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे वो ईमेल आईडी बता देते हैं, मतलब यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी का होता है @gmail.com, ये भी आपको डालना है gmail.com। ये डालने के बाद आपको सेंड करना है, और ये ध्यान रखना है कि आप जिसका कॉल डिटेल निकाल रहे हैं उसी पे ये सेंड करें। और उसके बाद अभी ये नहीं कि ये कर दिए तुरंत हमको यहाँ पे ओपन आ जाएगी, तो इसको सेंड कर देना है। तो इसको जैसे ही सेंड करिएगा तो आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको पहले वो जीमेल आईडी ओपन कर लेना है। तो हम जीमेल आईडी में आ जाते हैं, उसके बाद उसे ओपन कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हम अपना वो जीमेल आईडी ओपन कर लिए, और यहाँ पे हमको EPREBILL का आ चुका है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक PDF डाउनलोड करने के लिए, तो इस PDF को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए डाउनलोड हो रहा है तब तक, और डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लेना है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट है, तो हम डाउनलोड वाले में चले जाते हैं और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आगे का प्रोसेस यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके बाद ही करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड है, तो इसमें जाते हैं हम, इसी में मेरा डाउनलोड होके रखा हो तो इसी में जाते हैं हम। तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये PDF है, इस PDF को आपको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, तो पासवर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे पासवर्ड हमें पता नहीं है। तो आप यहाँ पे फिर से आपको वही मैसेज में आना है जो आप मैसेज किए थे। तो चलिए हम वहाँ पे फिर से आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। तो हम यहाँ पे मैसेज में आ गए, और वहाँ पे जो आप मैसेज भेजे थे उसके नीचे आपको जो मैसेज आया था उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड नीचे आ रहा है। तो इस पासवर्ड को सिंपली कॉपी कर लेना है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लिए। और उस या आप कॉपी नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप याद कर लेना क्या है, और वही सेम पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर देना। तो हम फिर से आ जाते हैं और यहाँ पे सेम पासवर्ड को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल दिए और ओपन कर दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सारा कॉल डिटेल आ गई है, हम अभी नंबर नहीं दिखा सकते हैं इसीलिए। तो इतना आप देख सकते हैं मेरा कॉल डिटेल आ चुकी है पिछले अप्रैल का।
तो आप भी अपना ये निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपका कोई और सिम है उसका निकालना चाहते हैं तो आप मैसेज कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने के बाद आप अपना जो भी सिम है उसका निकाल दीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा तो वो भी बता दीजिएगा, हम वो भी बता देंगे। और कोई सिम का चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस सिम का बता देंगे कैसे निकालना है। तो ये एयरटेल में ओनली काम करेगा और शायद बिहार से बाहर काम करता है या नहीं करता है। अगर आप बिहार से कहीं अदर स्टेट से हो तो आप चेक करके कमेंट कर दीजिएगा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।